और अब गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 1 लाख का इनामी बिल्लू दुजाना ढेर। एसपी क्राइम सीओ के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। मुठभेड़ में सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में इंद्रापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दो इनामी बदमाश ढेर हो गए। 1 लाख और 50 हजार के इनामी बदमाश ढेर हो गए। बिल्लू दुजाना और राकेश दुजाना मुठभेड़ में ढेर हो गए। दोनों शातिरों पर दर्ज थे कई दर्जन मुकदमे। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 लाख का इनामी बिल्लू दुजाना ढेर हुआ। इंद्रापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 लाख का इनामी बिल्लू दुजाना ढेर हो गया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एसपी क्राइम सीओ के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। मुठभेड़ में सिपाही को भी गोली लगने से घायल हो गया। इंद्रापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। संवाददाता जयवीर जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जयवीर, क्या कारण रहा जो बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई? मुठभेड़ का कारण क्या था? आपको बता दें कि जो बदमाश हैं अनिल दुजाना गैंग, जो एक पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है, दुर्दांत बदमाश है, और इसका जो गिरोह है बड़े स्तर पर यहाँ पर अवैध उगाही मर्डर जैसे मामलों में संलिप्त रहता है, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस काफी दिनों से इन लोगों की तलाश में थी। क्योंकि जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, जो देव सिटी में दोहरा हत्याकांड हुआ था उसमें भी इनका नाम आ रहा था। बीती रात अगर गाजियाबाद की बात करें तो दो जगह पर अलग अलग मुठभेड़ हुई है। हालांकि दोनों बदमाश एक ही गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, एक 50 हजार रुपए का इनामी है और दूसरा बदमाश 1 लाख रुपए का इनामी है। हालांकि इस मुठभेड़ में जो सीओ है उनका जो बुलेट प्रूफ जैकेट उन पर भी उनसे गोली लगी है, और वही एक जो सिपाही है पुलिस का जो सिपाही है वो भी गोली लगने से घायल हुआ है। और तमाम जो बदमाश रहे, जिस तरह मुठभेड़ हुई है, जिस तरह गाजियाबाद के जो अभी तक कप्तान थे वो स्थायी तौर पर थे, कल ही उन्होंने स्थायी रूप से चार्ज संभाला है और पुलिस पूरी तरह से अब हरकत में है। और बदमाशों के लिए जिस तरह हापुड़ की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, यहाँ पर जो बदमाश उनको पूरी तरह से नस्तनाबूद करने के लिए, क्योंकि गाजियाबाद के जो कप्तान है पहले गाजियाबाद का उन्हें अनुभव रहा है, गाजियाबाद में वो रहे हैं, तो इस अब पूरी तरह से उन्होंने अपनी टीम को अलर्ट किया हुआ है। और बदमाशों को यहाँ पर मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ के बाद से हालांकि दोनों बदमाश अब ढेर हो चुके हैं, और उसके बाद क्योंकि जो राकेश दुजाना और बिल्लू दुजाना दोनों बदमाश पूरे शातिर बदमाश बताए जाते हैं, कई दर्जन मुकदमे इन पर तमाम जगह पर दर्ज हैं। हालांकि अब 11 बजे पुलिस अधीक्षक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो तमाम चीजें हैं जो मुठभेड़ है उसको लेकर तमाम चीजें बताई जाएंगी। अब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया जाएगा क्या खुलासा होगा, किस तरह के, क्योंकि हालांकि जो बदमाश ढेर हो गए हैं और जो पुलिस है, पुलिस के जो कर्मचारी थे जिनको जो दो क्षेत्राधिकारी यहाँ इस मुठभेड़ में मौजूद रहे थे अलग अलग जगह पर, उनको भी गोली लगी। हालांकि जैकेट जो बुलेट प्रूफ थी उसको होने की वजह से जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हमको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बुलेट प्रूफ की वजह से गोली से नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह बदमाशों के दुस्साहस की बात करें, बदमाश इस प्रकार में भी जिस तरह दुस्साहस दिखा रहे हैं, बदमाश पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं और लगातार गाजियाबाद के तमाम शहरों में अलग अलग जगह पर रोज मुठभेड़ हो रही है और बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बदमाश अभी भी पुलिस को घिरने के बाद भी गोली चला रहे, तो कहीं ना कहीं
बदमाश और पुलिस के वर्चस्व की लड़ाई इसको कहा जा सकता है। देखना होगा कि आने वाले समय में जो अन्य बदमाश है और तमाम बदमाश जाहिर बात पुलिस के निशाने पर है, तमाम बदमाशों को पुलिस ढूंढ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग बदमाश हैं जो उन्होंने पूरी तरह से गाजियाबाद या एनसीआर में आतंक मचाया हुआ था, अब उनको किस तरह से पुलिस घेरेगी और बदमाशों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी जो टीम है उनके जो मताहत कर्मचारी अलग योजना, हालांकि इस रात के मुठभेड़ में एसटीएफ भी रही थी, क्राइम ब्रांच की टीम तमाम टीमें इस पर काम कर रही थी, तो अब जो बदमाश है उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। जी जयवीर, हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।